भारत की कूटनीति का दिखा असर, भारत का फैन बना भारत का सबसे कट्टर दुश्मन पाकिस्तान। सेना प्रमुख को लेकर पड़ोसी देश में भीषण संकट, गृह युद्ध शुरू। दोस्तों, भारत में मनमोहन सिंह भले ही भारत के विकास के जन्मदाता कहे जाते हैं, लेकिन दोस्तों भारत का विदेशों के साथ कनेक्शन 2014 के बाद दिन दुगुनी और रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। दोस्तों, जो पाकिस्तान जो हमेशा भारत की बर्बादी के शब्दों के साथ अपना मुंह खोलता है, हमेशा पाकिस्तान भारत के सर्वनाश की बात करता है, लेकिन आज वही पाकिस्तान भारत की कूटनीति का गुणगान कर रहा है। और पाकिस्तान से जो खबर आई है दोस्तों, ये किसी छोटे मोटे शख्स के द्वारा कहे गए शब्द नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति के शब्द है जिसने पाकिस्तान पर राज किया, पाकिस्तान पर उसकी सरकार ने हुकूमत की। दोस्तों, जहां एक और पड़ोसी देश भारत के लिए तारीफ भरे शब्दों का फवारा निकाल रहा है, तो उधर पाकिस्तान में बहुत ही डरावनी खबर आ रही है। पहले से ही आर्थिक संकट और प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त और उसके बाद राजनीतिक संकट झेल चुका पाकिस्तान अब एक और बड़े संकट की ओर जा रहा है। इमरान खान पर हमले के बाद पाकिस्तान में स्थिति कुछ ठीक नहीं है, माहौल लगातार खराब होता जा रहा है। अब हाल ही में पाकिस्तान में एक नए घटनाक्रम ने जन्म लिया है। पाकिस्तान में सेना प्रमुख की नियुक्ति को लेकर टकराव शुरू हो गया है। पाकिस्तान की हुकूमत में सीट्स पर बैठे लीडर खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं, वह भी राष्ट्रपति को, जो कि पाकिस्तान के सबसे श्रेष्ठ पद पर है। और पाकिस्तान में अब यह स्थिति लोगों के बीच काफी ज्यादा गर्म होती जा रही है। लोग सड़कों पर उतरना शुरू कर चुके हैं। पहले से ही इमरान खान मौजूदा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। ऐसे में अब एक बार फिर से सेना प्रमुख को लेकर पाकिस्तान में घटनाक्रम काबू से बाहर होना शुरू हो गया है। दोस्तों, पाकिस्तान से दो बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां एक ओर पाकिस्तान भारत की तारीफ करते दिखा है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान में बर्बादी का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। दरअसल दोस्तों, खबर कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जो अक्सर भारत के विरुद्ध में बयानबाजी करते थे, कश्मीर राग अलापे बिना उनका सूर्य अस्त नहीं होता था, उसने एक बार फिर से ऐसा बयान दिया है जिसने न केवल पाकिस्तान को सन कर दिया है, बल्कि पूरी दुनिया को भारत की बढ़ती ताकत का नमूना पेश कर दिया है। आपको बता दें कि पहले से ही पाकिस्तानी आवाम भारत के विकास कार्यों की फैन है और भारत में जिस प्रकार से विकास हो रहा है उसको लेकर नतमस्तक है। ऐसे में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर भारत की तारीफ में पुल बांधे हैं। इमरान खान ने अपनी पार्टी के लॉन्ग मार्च को वीडियो लिंक के माध्यम से संबोधित करते हुए इमरान ने कहा कि पाकिस्तान और भारत एक साथ आजाद हुए थे, लेकिन दोनों की विदेश नीति में बड़ा अंतर है। आपको बता दें कि इमरान खान को पाकिस्तान के अंदर 5 साल से पहले ही बेदखल कर दिया था, जिसके बाद इमरान खान ने अमेरिका को कोसा था, लेकिन आज वही इमरान खान भारत की तारीफ में कसीदे पढ़ रहा है। इमरान खान भारत के डबल गेम से आश्चर्यचकित है। जिस तरह से भारत अमेरिका और रूस के साथ सामंजस्य बनाकर चल रहा है, उसका कायल है। दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी प्रमुख इमरान खान ने कहा, भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है और उस पर किसी का दबाव नहीं है, हमें भारत से सीखने की जरूरत है। भारत क्वाड समूह में अमेरिका के साथ है, साथ ही रूस से सस्ती दरों में तेल भी खरीद रहा है। पाक मीडिया के मुताबिक इमरान ने कहा कि राष्ट्रीय फैसले राष्ट्र की ओर से लिए जाने चाहिए और देश को महाशक्तियों का गुलाम नहीं बनना चाहिए। इमरान ने कहा कि पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था कि उसके लोग दूसरों से मदद मांगे। इमरान ने कहा कि उनकी पार्टी पीटीआई एक आजाद मुल्क चाहती है। अफसोस के साथ उन्हें बार बार भारत का उदाहरण देना पड़ता है। भारत का गठन पाकिस्तान के साथ हुआ था, जिसकी विदेश नीति से उदाहरण लिया जा सकता है। आपको बता दें कि जितनी छूट भारत ने अपनी कूटनीति के जरिए दुनिया पर दबाव बनाकर हासिल की है, उसके लिए पाकिस्तान तरस रहा है। हाल ही में पाकिस्तान के मंसूबों पर उस वक्त हथौड़ा मारा गया जब अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने पिछले हफ्ते कहा था कि भारत जितना चाहे रूस से तेल खरीद सकता है, लेकिन उसकी खरीदारी G7 देशों की ओर से लगाए गए कैप सीमा से ऊपर होनी चाहिए। इससे पहले इमरान खान ने अक्टूबर में भारत की विदेश नीति की तारीफ और की थी। इमरान ने उस वक्त कहा था कि भारत अपनी मर्जी से रूस से तेल आयात करने में सक्षम है, जबकि पाकिस्तान पश्चिमी देशों का गुलाम है, क्योंकि यह अपने लोगों की भलाई के लिए निर्भीक फैसले लेने में असमर्थ है। तो दोस्तों, यह तो थी पहली खबर।
अब आइए दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, पाकिस्तान में जनरल बाजवा रिटायर्ड होने वाले हैं और इससे पहले नए सेना प्रमुख की नियुक्ति को लेकर जंग छिड़ गई है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के प्रमुख व मौजूदा विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्पष्ट कर दिया है, चेतावनी दे दी है कि देश केवल प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के द्वारा जो सेना प्रमुख नियुक्त होगा उसको ही मान्यता देगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास इसकी संवैधानिक शक्ति है। राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने दखल की कोशिश की तो इसके परिणाम गंदे भुगतने होंगे। दरअसल दोस्तों, अप्रैल में सत्ता में आने के बाद शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तान सरकार ने पहली बार इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के साथ संवाद की पहल की है। वित्त मंत्री इशाक डार ने शुक्रवार को राष्ट्रपति आरिफ अलवी से मुलाकात कर राजनीतिक मुद्दे को सुलझाने की अपील की है, क्योंकि पाकिस्तान में जो यह मुद्दा उठा है यह मुद्दा बड़े लेवल पर फेर सकता है। सेना में अफरातफरी हो सकती है, सेना दो खंडों में बंट सकती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में तख्ता पलट तक की नौबत आ सकती है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में नए सेना प्रमुख की नियुक्ति को लेकर अटकलें जारी है। दरअसल द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक बिलावल ने कहा कि राष्ट्रपति के पास संविधान को बरकरार रखते हुए सही पक्ष में खड़े रहने का आखिरी मौका है, लेकिन अगर उन्होंने प्रधानमंत्री के अधिकार को अवरुद्ध करने की कोशिश की तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। बिलावल ने यह बात इस सवाल के जवाब में कही कि क्या राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने सेना प्रमुख की नियुक्ति के संबंध में प्रधानमंत्री द्वारा जारी प्रक्रिया को रोक दिया है। बिलावल ने कहा कि यह देखना होगा कि वह संविधान का पालन करते हैं या अपने मित्र के प्रति वफादारी दिखाते हैं। उल्लेखनीय है कि मौजूदा सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, अब राष्ट्रपति की ओर से भी पाकिस्तान में बड़ा बयान आया है और कहा गया है कि उनका यह संदेश वह पीटीआई नेतृत्व तक पहुंचा देंगे। वित्त मंत्री ने 3 दिनों में राष्ट्रपति अलवी से 2 बार मुलाकात की है। वहीं इस पर पूछे जाने पर पीटीआई ने इसमें रुचि नहीं दिखाई है। वह चाहती है कि जल्द से जल्द आम चुनाव की तिथि घोषित कर दी जाए। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताएं। धन्यवाद।